लगन मंगला जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या हंगामा है, किस वजह से आप नाराज हैं? नेतृत्व में ये डॉक्यूमेंट्री देखना आज के समय में इतना जरूरी इसलिए बन गया है क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक हो रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे, जिस तरीके से सच्चाई छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो साफ साफ हमें ये बताता है कि जो सरकार है उसकी एकजुटता है, जिस में गुजरात रायट्स में जिस तरीके से उनका तालमेल था, जिस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, लगन सुप्रीम कोर्ट तक ने इसमें जो है पूरे अपने फैसले सुना दिए, तब इसमें ऐसी क्या नई बात है? और जब सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और सरकार ने कहा कि इसे बैन करना चाहिए, तो इसमें क्या आपत्ति आपको लग रही है? जी, मेरा यकीन मानिए, अगर आज बीबीसी की तरफ से नरेंद्र मोदी को अगर आज ये पुरस्कार मिलता है तो आज ये सारी प्रोपेगेंडा की बातें बंद हो जाएंगी और हम बीबीसी की वाह वाह करने लग जाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा की जो बात हो रही है, ये अगर छात्रों को, स्टूडेंट्स को और इस देश के हर एक नागरिक को ये मौका मिलेगा कि ये डॉक्यूमेंट्री देखे, तो वो खुद अपने समझ से ये बना सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है कि नहीं है, क्या ये सच्चाई है या प्रोपेगेंडा है। ये आई थिंक मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान को इस देश में ये समझ है कि वो अपने बल पे ये डिसाइड कर सकता है कि प्रोपेगेंडा है कि नहीं। जी। तो इसको ब्लॉक करने का ये भी एक गलत बात है, ये कहना कि इस मूवी को बैन कर दिया गया है, बैन नहीं किया गया, इसके बस लिंक्स को ट्विटर से और यूट्यूब से ब्लॉक किया गया है। जी, शेषमणि साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएनयू में एबीवीपी के संयोजक भी हैं। साहू साहब, क्या आपत्ति है, क्या आपको लगता है कि किसी भी चीज को आज के जमाने में बैन करना या रोकना जायज आपको लगता है, या ये सिर्फ जो प्रदर्शन हो रहा है वो पॉलिटिकल एजेंडा है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आरोप गलत है। हमें जानने की आवश्यकता है कि ऐसे एक ऐतिहासिक समय में जब भारत अपने 74वें गणतंत्र को मना रहा है और उस ऐतिहासिक वर्ष में जिस वर्ष में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, भारत को थर्ड वर्ल्ड एक आशा की किरणों आशा के साथ में देख रहा है कि हमें नेतृत्व करेगा, हमें नए सिरे से एक आसान्वित होकर के भारत की ओर देख रहे हैं। ऐसे समय में भारत के शीर्ष नेतृत्व पर ऐसे जो तथ्य है उसको तोड़ मरोड़ तक प्रस्तुत किया जा रहा है, आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि उस गोधरा के हमलों में हिंदू पक्ष के भी मृत्यु हुई थी, हिंदुओं पर भी हमला हुआ था, आप तथ्य बताइए ना। आप किसी तथाकथित पत्रकारों को, तथाकथित लेखकों, साहू साहब ये तो दर्शक अपने आप तय कर लेगा ना, युद्ध बताना और तोड़ मरोड़ करके जो इस बात की सत्यता का प्रमाण जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है, जी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हमने लगन से किया ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको देख लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट भी दे दिया है। जी जी, फैजुल हसन साहब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी काफी हंगामा हुआ है, कुछ और कारणों से भी हुआ, कुछ वहां पर नारे लगाए गए 26 जनवरी पर, आपको लग रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है? देखिए, और क्या, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल एजेंडा तय किया जा रहा है 2024 के इलेक्शन के लिए। जी, और मेरे ख्याल से ये सब चीजें जो है अलग हटा करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमको बजट पे बात करनी चाहिए। जो बजट शिक्षा में हमारा कटा था उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी और उसको बाकायदा गवर्नमेंट को रिलीज करना चाहिए। जी, धार्मिक नारे जो लगे 26 जनवरी में, वो धार्मिक नारे देखिए, एक भारत माता की जय भी वो लगा रहा था लड़का, और वही नारे तकबीर अल्लाह अकबर का भी नारा लगा रहा था, जिसपे इंक्वायरी भी बैठी है और बाकायदा इंक्वायरी हो भी रही है। अगर कोई ऐसी मामला आता है कि वो जानबूझ करके किया गया तो उस पर एक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एमयू कैंपस में इन सब चीजों में कोई भी जो है कंप्रोमाइज नहीं होता है, लेकिन अगर इस चीज को लेकर के कोई ये कह रहा है कि नहीं वहां पर ये एजेंडा चलाया जाता है, ये चलाया जाता है, तो ये किसी का जवाबदेही कौन हो सकता है? क्या इंस्टीट्यूशन अगर जवाब में अगर कोई चीज वो एक्शन नहीं ले पा रहा है तब जवाबदेही होती है? जी, अगर वो एक्शन ले रहा है या कुछ कर रहा है ऐसी चीज है, अगर मान लीजिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर का लगाया नारा उसने, तो वो कहां से गलत हो गया? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से या कहीं से, अगर पार्लियामेंट से या कोई सरकार ने बैन कर रखा उस नारे पे, तो वो नहीं लगा सकता था और गलत था, कह सकते हैं। हम जय श्री राम का नारा हम भी रोज सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, धार्मिक जगहों पर और पब्लिक प्लेस पर भी सुनते हैं, हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल करिए, आपका नारा है, आपका धार्मिक नारा, आप बिल्कुल करते रहिए। लेकिन अगर कोई भारत माता की जय के साथ अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारा लगा रहा है, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को।